इंडियन वाइल्ड ड्राइविंग 3D के शहर में आ चुकी है स्त्री जिसे सिर्फ फ्रैंकलिन ने ही देखा है। लेकिन फ्रैंकलिन ने ऐसी कौन सी गलती की जिसके कारण स्त्री जायंट स्त्री में बदल गई? आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। अरे मेरे घर की बिजली कैसे चले गई? पूरे शहर में बिजली है सिर्फ मेरे घर को छोड़कर। एक काम करता हूँ, चलो बिजली ऑफिस से घूम कर आता हूँ। चलो गाइस, हम चलते हैं बिजली ऑफिस के पास और बोलते हैं कि क्या मेरे घर की लाइन कट हो गई क्या। तो आज हम पता करते हैं कि मेरे घर पे आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण लाइन कट गया भाई। चलो शहर में जाते हैं गाइस और चलते हैं, देखते हैं बिजली ऑफिस में जाकर क्या बोलता है वो बिजली ऑफिस वाला। चलो फटाक से एक मिस्त्री को बुला लेते हैं भाई और जल्दी से ठीक करवा लेते हैं अपने लाइट को। ओके, तो यहाँ पर बिजली ऑफिस, ये रहा बिजली ऑफिस गाइस, देख सकते हो ये जो बड़ी सी बिल्डिंग है ये है बिजली ऑफिस। तो यहाँ पर हम अभी एक मिस्त्री बोलेंगे देने को। फटाक से हम यहाँ से नीचे उतरते हैं। ओके भाई, रात में सो नहीं पाता हूँ जब तक फैन ना चले, पंखा वगैरह सब बंद हो चुका है। अरे ये कौन है ये औरत, ये बिल्डिंग के ऊपर कैसे चढ़ रही है? अरे भाई साहब, एक मिनट गाइस, अभी मैं सोहित भाई को फोन लगाता हूँ। हेलो सोहित भाई, यार यहाँ पे बिजली ऑफिस के बिल्डिंग में एक औरत ऊपर चढ़ रही थी, कौन थी वो? अरे फ्रैंकलिन, वो कोई औरत नहीं बल्कि स्त्री है, अभी वो वहाँ पर है क्या? अभी ये यहाँ पर, रुक जाओ एक मिनट, यहाँ पर बिल्डिंग पे तो चढ़ रही थी लेकिन अभी नहीं है सोहित भाई। अरे जल्दी से वहाँ से भाग जाओ वरना वो तुम्हें मार देगी, जल्दी भागो वहाँ से। अच्छा सोहित भाई, इसे मारने का कोई तरीका नहीं है क्या? देखो मुझे कोई तरीका नहीं पता है, लेकिन गांव में एक जादूगरनी आई है, अगर तुम उसके पास जाओगे तो वो तुम्हें कुछ उपाय बता सकती है उसे मारने का। अच्छा ऐसा बात है क्या? ठीक है सोहित भाई, मैं फोन रखता हूँ। गाइस चलो फटाक से हम चलते हैं उस जादूगरनी के पास और देखते हैं कि इसे कैसे मारा जाए। तो गाइस एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर अभी जी वैगन को स्पॉन करता हूँ और उस पे चलता हूँ जादूगरनी के पास। तो जी वैगन अभी न्यू अपडेट में आया है तो इसका चीट कोड है 6666। जैसे मैं इसको डायल करूंगा गाइस तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा न्यू जी वैगन। तो इसमें हम जाएंगे जादूगरनी के घर के पास। देख सकते हो गाइस, इसका कलर भी आप लोग चेंज कर सकते हो। यहाँ से मैं इसको येलो, ऑरेंज, ग्रीन कुछ भी कलर कर सकता हूँ, आरजीबी भी कर सकता हूँ गाइस। तो मैं काम करता हूँ, मैं इसको अभी आरजीबी कर लेता हूँ और गाइस फटाक से मैं इसको लेकर चलता हूँ जादूगरनी के पास। चलो फटाक से हम चलते हैं जादूगरनी के पास और देखते हैं कि वो कुछ उपाय बताती है कि नहीं मुझे। ओ भाई साहब, ये जी वैगन देख सकते हो गाइस, क्या ही गाड़ी है भाई, इसका साइज देखो भाई, और ये बहुत मस्त दिख रही है गाइस। फटाक से हम चलते हैं जादूगरनी के घर के पास और देखते हैं कि गाइस जादूगरनी स्त्री को मारने का कुछ उपाय बताती है या नहीं। तो इधर ही वो गांव होना चाहिए, रुक जाओ गाइस, शहर तो ये है तो गांव तो इधर ही है। एक मिनट, मुझे देखना पड़ेगा अच्छे से और वो जादूगरनी गांव में किस जगह पे रहती है ये भी मुझे पता करना पड़ेगा। ओ भाई, ये क्या ही मस्त जी वैगन गाड़ी है गाइस, मानना पड़ेगा मस्त चल रहा है ये। लेकिन गाइज अभी उस स्त्री को मारना मुझे बहुत जरूरी है। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ गाइज गांव में और देखता हूँ कि वो स्त्री कहाँ पे है। तो मैं काम करता हूँ, गाड़ी को यहाँ पे पार्क कर देता हूँ और फटाक से इसके ऊपर से उतरता हूँ। अब देखता हूँ कि वो जादूगरनी कहाँ पे है गाइज। ओके गाइज, तो ये है वो जादूगरनी, देख सकते हो ये उड़ती हुई झाड़ू पे उड़ रही है भाई। ओके गाइस, तो हो सकता है कि ये जादूगरनी मुझे बता दे, एक मिनट इसे नीचे आने दो। ओके, तो फाइनली ये नीचे आ चुकी है। तो चलो गाइस फटाक से हम इससे पूछते हैं कि कैसे मारना है मुझे स्त्री को। अरे फ्रैंकलिन, कौन सा जादू देखना है बताओ, अभी मैं दिखाता हूँ तुम्हें जादू। अरे आपको मेरा नाम कैसे पता है, आप कैसे जानती हो मेरा नाम? देखो फ्रैंकलिन, मैं सबका नाम जानता हूँ, मैं बहुत बड़ी जादूगरनी हूँ। अच्छा तो एक काम करो, मेरे शहर में एक स्त्री आई है तो मुझे उसे मारना है, तो बताओ कैसे मारूंगा मैं उसे। देखो अगर तुम्हें उसे मारना है तो तुम्हें मुझे एक खोपड़ी, एक साड़ी और एक डायनासोर को मार कर ला के देना पड़ेगा। तुम्हारे मोबाइल पे मैसेज चला जाएगा कि वो सारा चीज तुम्हें कहाँ पर मिलेगा, ठीक है? तो जल्दी से उसे ला कर दो। अच्छा ऐसा बात है क्या, ठीक है अभी लेकर आता हूँ, अभी मैं लेकर आता हूँ, आप यहीं पे रहिएगा। ओके गाइस, तो जादूगरनी से बात करते करते हो चुकी है सुबह। तो अभी मुझे लाना है एक खोपड़ी, साड़ी और डायनासोर। देखो गाइस, खोपड़ी और साड़ी का लोकेशन मेरे मोबाइल पे आ जाएगा, लेकिन गाइस डायनासोर को मुझे जुरासिक पार्क में जाकर मार कर लाना पड़ेगा। तो एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं अपने मोबाइल को निकालता हूँ और देखता हूँ कि इसमें खोपड़ी और साड़ी का लोकेशन आया कि नहीं, एक मिनट। ओके, तो ये यहाँ पर गाइस दिखा रहा है खोपड़ी का लोकेशन, तो ये यहाँ पर दिखा रहा है कि ये यहाँ पर नहीं बल्कि उधर एक बिल्डिंग है उसके ऊपर है।
तो गाइस क्यों ना हम चले वहाँ पे। चलो गाइस फटाक से चलते हैं हम और फटाक से खोपड़ी को लेकर आते हैं। ओके तो फाइनली मैं जी वेगन से जाने वाला हूँ। अब गाइस देखते हैं कि जादूगरनी ऐसा कौन सा टोटका करने वाली है जिसके कारण स्त्री यहाँ से चली जाएगी। देखो गाइस खासकर जादूगरनी अपना जादू दिखा के ही किसी भी चीज को खत्म कर सकती है, लेकिन पता नहीं मेरे को ऐसा क्यों टास्क दिया है उन्होंने। हो सकता है कि गाइस स्त्री बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए मुझे उन्होंने ऐसा टास्क दिया है। तो गाइस यहाँ पर मुझे इसके ऊपर जाना पड़ेगा बिल्डिंग के ऊपर, और उसके बाद बिल्डिंग के उधर एक कंटेनर है उसी के ऊपर मुझे मिलने वाला है खोपड़ी यानी कि स्कल। तो गाइस सबसे पहले इस बिल्डिंग के ऊपर हम चढ़ने वाले हैं, तो चलो बिल्डिंग के ऊपर चढ़ने का रास्ता हम ढूंढते हैं। तो मुझे जहाँ तक पता है कि इधर से ही उसका रास्ता होना चाहिए। रुक जाओ एक मिनट। ओके यहाँ से मुझे उसका रास्ता है। ओके गाइस फाइनली हम इसके ऊपर से जाने वाले हैं, तो चलो फटाक से हम ऊपर चल जाते हैं। ओके गाइस तो हम यहाँ से ट्राई करने वाले हैं, एकदम बिल्कुल स्पीड में जाने वाले हैं और देखते हैं कि मैं उसके ऊपर पहुँचता हूँ कि नहीं। अरे भाई साहब ये गाड़ी एकदम टट्टी है क्या जी वेगन? अरे जी वेगन होकर इतना खराब कैसे चल रही है गाड़ी? भाई मेरे को नहीं लगता ये गाड़ी पहुँचने वाली है उतनी ऊपर। रुक जाओ गाइस एक लास्ट ट्राई करता हूँ, नहीं तो मुझे दूसरा गाड़ी लेना पड़ेगा क्योंकि भाई मुझे स्त्री को मारना है, ये गाड़ी मुझे नहीं चलाना है भाई। ओके तो गाइस अभी मैं थार से जाने वाला हूँ और देखता हूँ कि थार ऊपर तक जा सकती है कि नहीं। थार तो पहुँच जाना चाहिए भाई, थार बहुत पावरफुल होता है। ओके 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 फाइनली गाइस थार इसके ऊपर पहुँच चुकी है, लैंड कर चुकी है। अब मैं ऊपर जाऊँगा जल्दी से फटाक से और उस खोपड़ी को लेकर आऊँगा भाई, क्योंकि ऐसा ना हो कि स्त्री सारे लोगों को, बहुत सारे लोगों को मारने लग जाए। वो भाई साहब क्या ही खतरनाक जगह है, यहाँ पर मुझे बहुत संभल संभल कर चलना पड़ेगा गाइस। ये देख रहे हो एक जरा गाड़ी अगर डगमगाई तो भाई सीधा मैं नीचे चला जाऊँगा। तो मैं तो नहीं चाहता कि गाड़ी नीचे चला जाए और मैं मर जाऊँ और स्त्री आज़ाद हो जाए और सारे लोगों को मार दे। ओके तो यहाँ से मुझे यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, और हाँ जहाँ तक मुझे पता है कि मुझे लेफ्ट लेना है, राइट नहीं लेना है। लेफ्ट में एक कंटेनर है उसके ऊपर मुझे जाना है। रुक जाओ भाई साहब ये बहुत खतरनाक है। ओके मुझे वहाँ तक पहुँचना है, क्या मैं पहुँच जाऊँगा? ओके फाइनली गाइज मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ और मुझे बताया गया था कि यहीं पर वो खोपड़ी मिलेगा मुझे। तो मैं काम करता हूँ जल्दी से फटाक से नीचे उतरता हूँ और देखता हूँ कि वो खोपड़ी कहाँ पे है यहाँ पे। ओके गाइज तो ये रही वो खोपड़ी, तो मैं फटाक से इसको उठा लेता हूँ गाइज और देखता हूँ कि अगला मुझे साड़ी कहाँ पर मिलने वाला है। तो चलो मैं इसको जल्दी से उठा लेता हूँ भाई। ओके गाइज तो ये लोकेशन बता रहा है वहाँ का, जो कि मुझे इस रास्ते से होके जाना पड़ेगा वहाँ पे, तभी मुझे वहाँ पर साड़ी मिलने वाला है। तो चलो फटाक से वहाँ पर चलते हैं गाइज। तो मुझे वहाँ जाने के लिए मुझे गाड़ी एकदम स्पीड में ले जाना पड़ेगा, तभी ये गाड़ी वहाँ तक पहुँचेगी। तो एक काम करता हूँ मैं इसे अभी पीछे ले जाता हूँ, बिल्कुल पीछे। मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता क्योंकि मुझे स्त्री को मारना है आज, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं नहीं चाहता कि कोई भी भूतनी हमारे शहर में आकर रहे। तो फटाक से यहाँ से हम छलांग लगाते हैं और भाई प्लीज 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 ओ फाइनली अरे यार फाइनली गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं। और भाई ये कंटेनर नहीं होता तो हम लोग नीचे चला जाते हैं। और गाइस फाइनली यहाँ से आ चुका है अब बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रास्ता जो कि हम यहाँ से जाने वाले हैं। देख सकते हो वहाँ पर भाई एक घूमता हुआ कंटेनर है। तो गाइज मैं काम करता हूँ, मुझे एक बार में स्पीड में जाता हूँ, तब मैं हो सकता है कि पहुँच जाऊँगा, कहीं भी नहीं टकराऊँगा, कंटेनर में भी नहीं टकराऊँगा। तो एक मिनट, जैसे ही कंटेनर ऊपर को जाएगा, रुक जाओ गाइज ये ऊपर नहीं गया, एक बार और घूमेगा और ये ऊपर जैसे जाएगा मैं चला जाऊँगा। ओके अभी चलो। ओके फाइनली कोई लेट नहीं चलो ओके गाइज तुम लोगों ने देखा, मतलब इसे मैं ऐसे कंप्लीट करता हूँ चुटकियों में गाइज। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि मुझे साड़ी यहाँ पर मुझे मिलता है कि नहीं, देखते हैं गाइस मिलता है कि नहीं साड़ी मुझे। तो गाइस ये रहा वो साड़ी, लेकिन एक मिनट, ये मुझे स्त्री की साड़ी क्यों लग रही है भाई? भाई जादूगरनी मुझसे स्त्री की साड़ी क्यों मंगवाएगी? हो सकता है गाइस जादूगरनी स्त्री की साड़ी से ही उसे मारेगी। तो चलो गाइस मैं फटाक से उसे ले लेता हूँ और चलता हूँ जादूगरनी के पास। ओके गाइस तो फाइनली मैंने साड़ी ले लिया है, तो फटाक से मैं अपनी थार पर बैठता हूँ और चलता हूँ जुरासिक पार्क, क्योंकि आखिरी चीज जुरासिक पार्क में मुझे जाकर डायनासोर को मार कर उसको ला कर देना पड़ेगा जादूगरनी को। गाइस दो चीज तो मैंने इकट्ठा कर लिया है, चलो लास्ट वाला भी चीज कर लेते हैं। और भाई मैं यहाँ से गाड़ी को कुदा चुका हूँ, अब देखते हैं कि इस गाड़ी के साथ क्या होता है। प्लीज मरना मत। ओ भाई साहब
क्या ही खतरनाक गाड़ी है, लेकिन गाइज ये टूटी नहीं एक जरा भी। तो गाइज हम क्या करते हैं कि फटाक से चलते हैं जुरासिक पार्क और जल्दी से एक डायनासोर को मारते हैं भाई, क्योंकि डायनासोर को मारना लास्ट मेरा मिशन रहेगा। उसके बाद फाइनली स्त्री यहाँ से चली जाएगी। वो जादूगरनी हमारा बहुत ज़्यादा मदद कर रही है गाइज। अब देखते हैं कि वो किस तरह से स्त्री को भगाती है मेरे शहर से। भाई लास्ट में मैं उस जादूगरनी से, और यार भाई साहब वो गाड़ी देखो भाई, लेकिन भाई गाड़ी अभी भी खड़ी है, देख सकते हो भाई क्या एक खतरनाक गिरा हूं मैं। फटाक से चलता हूँ गाड़ी के पास भाई साहब। ओके गाइस, तो जुरासिक पार्क आते आते रात हो चुकी है भाई। मैं रात में कैसे डायनासोर खोजूंगा भाई। चलो गाइस कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ डायनासोर यहाँ पर कहाँ पे मिलेगा भाई। बहुत ज्यादा रात हो चुका है, तो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा इधर उधर घूमता हूँ, हो सकता है इधर ही डायनासोर होगा। ओ भाई साहब इतना बड़ा डायनासोर गाइस, इसे तो मैं नहीं ले जा सकता, लेकिन इस छोटे डायनासोर को मारकर मैं ले जा सकता हूँ। तो चलो फटाक से मैं AK-47 निकाल लेता हूँ और जल्दी से इसको मारता हूँ भाई, और जल्दी से यहाँ से लेकर इसे जाता हूँ। तो चलो मारते हैं इसको, ये ले। ओ ओ भाई फाइनली गाइस ये डायनासोर मर चुका है। तो हम फटाक से इसको अपने गाड़ी में लोड करते हैं और चलते हैं लेकर गाइस। बेचारे को मारना पड़ा, क्या करूं भाई, स्त्री को ले जाना पड़ेगा तो तुझे मारना ही पड़ा। तो चलो फटाक से हम गाड़ी में इसमें लोड करते हैं इसको। ओके तो गाइस गाड़ी के अंदर मैंने डाल दिया है डायनासोर को। तो अब फटाक से मैं गाड़ी के अंदर बैठता हूँ और चलता हूँ जादूगरनी के पास और देखता हूँ कि भाई वो क्या करती है, किस तरह से मारती है स्त्री को। तो फटाक से हम चलते हैं गाइस, ऐसा ना हो सुबह होते होने से पहले मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि भाई मैं नहीं चाहता है कि रात में किसी और को मार दे। अरे भाई ये क्या कर रहा है, अरे मत आओ इधर, मत आओ, यहाँ पर अभी स्त्री घूम रही है, तुम लोगों को पेल देगी। ओके गाइस, तो फटाक से हम चलते हैं जादूगरनी के पास, देखते हैं कि भाई जादूगरनी कितना पावरफुल है। आज पता चल जाएगा कि जादूगरनी के पास असली जादू है या नहीं। अगर वो भूत को भगा सकती है तो उसके पास असली जादू है। और गाइस हाँ, मैं लास्ट में उससे ये झाड़ू ले लूंगा भाई, उड़ने वाला झाड़ू, ताकि मैं भी उड़ूंगा उसमें। ओके तो गाइस मैं काम करता हूँ, अरे अच्छे से गाड़ी चला। ओके गाइस तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पे अपनी गाड़ी को पार्क कर देता हूँ और चलता हूँ जादूगरनी के पास। ये लो जादूगरनी, मैं डायनासोर खोपड़ी और साड़ी भी ले आया, अब मुझे बताओ तुम स्त्री को कैसे मारोगी। अरे अरे भाई ये तो जादूगरनी नहीं, ये स्त्री है, इसने मेरे साथ धोखा किया।